शरीफ लाए? बुनेर से। बुनेर से क्या नाम? मोहम्मद जीशान। मोहम्मद जीशान, हाँ। आप भी इनके साथ ही हैं। आपको ये लाहौर जो आप देख रहे हैं, ये आपको कैसा लगा है लाहौर? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत है। यही चीज़ कहनी है पश्तों में। पश्तों में आप कैसे कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़िया सुहेल और आप देख रहे हैं चैनल ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज हम आपको सैर कराएँगे जनाब बाग लाहौर की, तो आइए फिर आपको चल के दिखाते हैं। सर कुछ दोस्त मौजूद हैं जो काफ़ी दूर से आए लग रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? जाकिरुल्लाह। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? बुनेर से। बुनेर से, तो यहाँ पे किस लिए आए हैं? यहाँ मंसूरे पे तरबेजगा के लिए आए हम। अच्छा, नहीं इधर जनाब बाग में कैसे आए? बस शहर के लिए आए। शहर के लिए? के लिए, बिल्कुल। अच्छा, आपका क्या नाम? मोहम्मद जीशान। मोहम्मद जीशान, हाँ। आप भी इनके साथ ही हैं? मैं उर्दन। उर्दन से आए हैं? नहीं। कहाँ से? बुनेर से। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आप? ज़हूर अहमद। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? जी बुनेर से। अच्छा, तो जनाब बाग आने का कैसे इत्तेफाक हुआ आप? जी बस सैर कराने के लिए। सैर कराने के लिए दोस्तों के साथ? दोस्तों के साथ। अच्छा, तो आपको ये लाहौर जो आप देख रहे हैं, ये आपको कैसा लगा है लाहौर? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है? पहले भी आए हैं या पहली दफ़ा ही आए? नहीं पहली दफ़ा नहीं है, ये दूसरी बार। दूसरी दफ़ा आए? अच्छा, अपने दोस्तों के साथ आए हैं ना। अच्छा सही, चलो शुक्रिया जी, थैंक यू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये बहुत खूबसूरत ये बाग है, और जैसा कि लाहौर को फूलों का बाग कहा जाता है, तो यकीनन यहाँ पे आप आके खुश होंगे और इस बाग की जो खूबसूरती है वो यकीनन देखने से तल्लक रखती है। कोई खजाएँ ये ना अली फरवरी मार्च चाहे निकलने में फूल चले। दिखा मैं बना ला थोड़ी जी। नाजरीन, ये आप जो बाग देख रहे हैं मेरे अकम में मादर मिल्लत फातिमा जनाह से मंसूब किया जाता है, और इस बाग के अंदर कई रियासती डिनर्स हो चुके हैं। ये यानी कि बड़ा तारीखी बाग है। ये बाग 1935 में मादर मिल्लत फातिमा अली जनाह के एजाज़ में बनाया गया था। ये आज भी रियासती डिनर्स यहाँ पे होते हैं, और ये आज भी बड़ी शानदार देखने से तल्लक रखती है इसकी खूबसूरती इस बाग की। तो चलिए चलते हैं फिर आगे, आगे आपको सैर कराते हैं। एक खूबसूरत ये गार्डन आप मेरे अकम में देख रहे हैं। एक रास्ता इधर दाएं तरफ जाता है, और इस तरफ ये दारुस्सलाम कुतुब है। ये बड़ी तारीखी मस्जिद है, ये भी ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे तलबा को तालीम वगैरह भी दी जाती है। ये भी एक खूबसूरत गार्डन है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी ये छोटे छोटे पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, और ये एक पगडंडी बनी हुई है जो आप देख रहे हैं मेरे अकम में। यहाँ पे आकर वाकई दिल बाग बाग हो जाता है। लाहौर को वैसे ही बागों का शहर कहा जाता है, और यहाँ पे आकर दिल बाग बाग हो जाता है। यहाँ पे इतने खूबसूरत मनाजर हैं
कि यहाँ पे आकर बंदे का दिल चाहता है कि बंदा अच्छी अच्छी शायरी करे और कुछ गुनगुनाए। ये नाजरीन आप मेरी अकम में जो देख रहे हैं ये मुग़ल गार्डन है और ये मुग़ल फन तर्ज तमीर पर ही तमीर किया गया है। इसके अंदर ये खूबसूरत ये फाउंटेन बनाए गए हैं, ये आप देख रहे हैं। इसके तरफ चारों तरफ गार्डन बनाया गया है और ये फाउंटेन अब पहले चलते थे, अब पता नहीं चलते हैं कि नहीं चलते। ये नाजरीन आप देख रहे हैं मुग़ल महल, इसके फाउंटेन तो अभी बंद हैं, अगर चल रहे होते तो बड़े खूबसूरत लगते। बूटियां दी दसी कि पनीरी बीजी हुई है, फुल अगले भी मिले मिल रहे हैं। इधर आ गया नाज़रीन, मेरे हक़ में आप देख रहे हैं कि ये कायदे आज़म लाइब्रेरी है। नाज़रीन बहुत ही दिलकश नज़ारे हैं यहाँ पे। आप लाहौर में आएँ तो जनाब बाग ज़रूर आएँ, ये लाहौर ज़ू के बिल्कुल साथ है और पिकनिक के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त स्पॉट है। सबसे पहले आप लोग YouTube पे जाइए, यहाँ पर सर्च करें ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान और इसको चैनल सब्सक्राइब करें, उनके हौसले अफजाई करिए ताकि वो आगे बढ़े। जी शुक्रिया। अब आपने यही चीज़ कहनी है पश्तो में, पश्तो में आप कैसे कहेंगे? जबदा हुआ माँ चे दूरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें नोर मरगरों सरा चुदी लेक पबारवानी लाड़ी। सही, और कौन है?
और खूबसूरत सा बच्चा कौन है? खूबसूरत सा बच्चा ये बच्चा लग रहा है यार, ये नहीं ये तो इसी के साथ ही अब हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।